ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। डीजल व पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे पंजाब में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते गुरदासपुर से विधायक वरिंदर मीत सिंह पाहड़ा और कांग्रेसी वर्करों की तरफ से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया और मांग की है कि केंद्र सरकार बढ़ रही तेल की कीमतों को जल्द कम करे, नहीं तो संघर्ष तेज किया जाएगा। वहीं धरने में बैठे गुरदासपुर से विधायक वरिंदर मीत सिंह पाहड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार तेल की कीमतों को बढ़ाकर देश के लोगों को लूट रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सभी बड़ी कंपनियां जैसे एयरपोर्ट, एयर इंडिया, तेल कंपनियों को बेच के और रेलवे को प्राइवेट कर देश चला रही है। अगर सब कुछ बेच कर ही देश चलाना है तो वैसे तो कोई भी देश चला सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तेल की कीमतों को जल्द कम करे, नहीं तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। भागी गल है कि जी सेंटर गवर्नमेंट है वो पेट्रोल डीजल कीमतों के अथाह वाधा कर रही है, क्योंकि हर रोज़ ही जदों सवेरे कोई सुता उठता है तो वो वाधा पेट्रोल डीजल के होया हों। सो अज लगातार वाधा करते हुए इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ता, हिस्ट्री क्रिएट करती कि जी पेट्रोल तो डीजल महंगा करता और अज 80 रुपए कुछ पैसे डीजल पहुँच गया तो पेट्रोल जो तो थले करता। और ये पिछे एक बड़ी सोची समझी इन्हों की साजिश है, क्योंकि ये किसानी तो व्यापारियों मारना चाहते हैं, क्योंकि जदों अज सीजन है लोगों फसल लाने का, तो जदों फसल लाने की गल आती है उदों असी डीजल की कीमत वधा दें, जदों फसल लग जाएगी उदों 2-4 रुपए घटा देंगे। इन्हों का एक बड़ा वधिया एक इन्ना ड्रमैटिक वे दे नाल 10 रुपए वधाते हैं, 2 रुपए घटा देंगे ने। अज पेट्रोल डीजल की कीमत कच्चे तेल की 42 रुपए 43 रुपए तो आ गई, पर अज की ऐसी इन्हों बिल्ली छिक गई कि जी इन्होंने रेट 80 रुपए तो पार करता पेट्रोल डीजल का। सो ये गल्लां इत्थों पता लगता कि किन्ने क सिंसीयर ने अपने मुल्क दे नाल, किन्ने क सिंसीयर पॉलिटिशियंस ने। की गल अज BSNL क्यों वेच रहे हैं, क्यों प्राइवेट कंपनियां दे विच जिहड़ा उन्हां नूं प्रॉफिट च लिया जा रहा और जिहड़ी BSNL है सरकारी कंपनियां ने वो फेल क्यों हो रही हैं, एयर इंडिया क्यों फेल कर रहे हैं। सो इन चीज़ों का डट के विरोध करांगे। ट्रेना जी उन्हां दी पहली बार सुनवाई आया साढ़े सुन च कि उन्हां दी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। सो अज एयरपोर्ट वेचे जा रहे हैं, फिर रह की गया ये तो फिर कुछ होर अनपढ़ बंदे नूं भी एज ए प्राइम मिनिस्टर कहो तो कुर्सी दे बैजा भाई वेच के आपका घर चलाई जा तो कोई भी चला लेगा। इन्हां दी क्रेडिबिलिटी कित्थे स्टैंड करदी, इन्हां ने की ऐसा हिंदुस्तान लई मारका मारिया पिछले 6-7 सालों के। सो इस गल का लोगों के भारी विरोध है। सो आने वाले समय के सारिया चीज़ों पर बहुत डटवा विरोध किया जाऊगा। वो दिन न निकल गए कि लोग चुप करके सहन करते, अज सारी किसानी, अज सारे व्यापारी, अज आम जनता मर रही है। जिहड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज से कोई बाँह खड़ी कर दे, कोई रेहड़ी वाला कर दे, कोई आम नागरिक कर दे, कोई किसान कर दे, कोई व्यापारी कर दे, कोई मध्य वर्ग के लोग कर देन जिन्हों कोई फायदा दिता हो, किसी को 1 रुपया भी पहुँचा हो। सारा इन्हों के जुमलेबाजी सी, वो लोगों के सामने हौली हौली आ रही है। सो आने वाले समय से इस तरह से डट के इन चीज़ों